नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य विधानसभा में कहे जाने के बाद कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुंबई महानगर पालिका की कामकाज का विशेष ऑडिट करेगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 सालों में बीएमसी की सभी गतिविधियों की कैग द्वारा जांच कराए जाने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल बीएमसी के कामों की जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी नेता व पूर्व सांसद क्रीट सुमैया के आरोपों से संबंधित है, जिसमें उन्होंने संजय राउत और उनके परिवार पर 100 करोड़ रुपए के जंबो कोविड केयर सेंटर घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। सड़कों की खराब गुणवत्ता, कोविड देखभाल केंद्रों में कुप्रबंधन और आवास पुनर्विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कई मुद्दों, नगर विकास विभाग अधिकारियों द्वारा ठेके प्राप्त करने के लिए निजी कंपनियों को स्थापित करने की भी जांच करेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ब्रहन मुंबई महानगर पालिका के कामकाज का विशेष लेखा परीक्षण के जांच में उतरने से कई नेताओं की हालत खराब हो रही है। महापालिकेचा 12,900 कोटीचा घोटाळा म्हणजे मेलेल्या टाळूवरचं लोणी घाण्याचं काम मातोश्रीच्या मंडळीने केलेलं आहे। आपण पाहिलं असेल तर कोविड काळामध्ये ज्या पद्धतीमध्ये कोविड सानिध्याची इमर्जन्सी दाखवून खरेदी केली गेली, त्यामध्ये जवळजवळ 9,000 कोटीचा भ्रष्टाचार, मध्ये औषधाची सामग्री असेल, कोविडची सेंटर बांधण्याचं काम असेल, बेड असतील, पंखे असतील, औषधं असतील, ह्यामधला भ्रष्टाचार कोणी केला, त्यामध्ये कोणकोण नातेवाईक ह्यामध्ये इन्वॉल्व्ह होते, कशा पद्धती त्याची टेंडर झाली, कोविडच्या काळात अजमेराची जी जमीन खरेदी केली गेली ती 3,000 कोटीची जमीन कशासाठी खरेदी केली, त्यामध्ये युवराजांचा हात किती होता आणि कोणी कोणी मेलेल्या टाळूवरचं लोणी खाल्लं हे कॅचच्या माध्यमातून बाहेर येणार आहे। माझं तर माननीय मुख्यमंत्र्यांना निवेदन आहे की नुसता कॅचचा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर गप्प नका बसू। तर ह्या ज्या 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 लोकांनी यामध्ये गुन्हे केलेले असतील, जे जे लोक भ्रष्टाचारात असतील, करोना सारख्या महासंकटात सर्वसामान्य जनतेची हाल अपेक्षा करून स्वतःची पुंदडी भरण्यासाठी ज्यांनी काम केलंय त्यांच्यावरती सीबीआय मार्फत चौकशी करावी, ही मी मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे करतोय। दूध का दूध, पानी का पानी, सत्ता जनतेसमोर, सत्य बाहेर। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।